बचने के लिए मनपा का अभियान, 30 साल पुरानी इमारतों को भेजा नोटिस। महाड़ और भिवंडी बिल्डिंग हादसे से सबक लेते हुए नई मुंबई महानगर पालिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। मनपा ने 30 साल पुरानी सभी इमारतों को स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का नोटिस भेजा है। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा कि इन बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किसी भी ऑथराइज इंजीनियर या फिर कॉरपोरेशन की मदद से करवाया जा सकता है। यदि जांच में पाया जाता है कि इमारत रिपेयर करने के बाद भी रहने के लायक नहीं है तो हम उसके रहवासियों को वैकल्पिक जगह उपलब्ध करा के उसका पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ करवाएंगे। आयुक्त ने कहा कि हमने यह निर्णय लोगों से मिली शिकायतों के आधार पर लिया है जिससे नई मुंबई के लोगों के जान और माल की रक्षा की जा सके। रीडेवलपमेंट के लिए बहुत सारी बिल्डिंगें जो शहर में हैं जिनका कंस्ट्रक्शन के बाद 30 साल हो गए हैं उनके प्रपोजल आते रहते हैं। मोर ओवर जिनका कंस्ट्रक्शन अभी डिलैपिडेटेड है ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दिए, तो इन बिल्डिंगों को एक नोटिस दिया गया है कि 30 साल अगर उनका हुआ है तो उनको स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद अगर ये पाया जाता है कि वो बिल्डिंग लिवेबल नहीं है, मोर ओवर रिपेयर करने के बाद भी उसकी कंडीशन लिवेबल नहीं हो सकती है तो C1 कैटेगरी में उस बिल्डिंग को गिना जाएगा और बिल्डिंग के लोगों को उनका एक अल्टरनेट अरेंजमेंट करवा के रीडेवलपमेंट का प्रपोजल बनाया जा सकता है। हमें पता है कि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस जो हुए हैं जहाँ पे बिल्डिंग गिरने की वजह से कुछ लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ भी हुई है, तो इस टाइप की सिचुएशन हमारे कॉरपोरेशन में ना आए इसकी वजह से, इसीलिए ये एक सुझाव दिया गया है सभी बिल्डिंगों को जिनका लाइफ 30 ईयर से ज़्यादा हुआ है। अभी इनमें स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो गवर्नमेंट ऑथोराइज होते हैं उनके ज़रिए किया जा सकता है या फिर कॉरपोरेशन के जो है उनके ज़रिए भी किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद दे कैन अप्रोच कॉरपोरेशन फॉर फर्दर एक्शन। बारिश के पहले निकाले जाने की ये वजह होती है कि बारिश में बहुतांश बिल्डिंगों को नुकसान होने का ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन ये कहा नहीं जाता कि बारिश के बाद इसका खतरा कम होता है। अगर किसी बिल्डिंग का लाइफ 30 साल से ज़्यादा हुआ है और ये डिलैपिडेटेड होने की वजह से अभी भी हमारे पास कंप्लेन आ रहे हैं और अभी हमारे पास जो कंप्लेन आ रहे हैं वो कारण है अभी उसका नोटिस इशू करने का। वी कैनॉट रिलैक्स कि अभी बारिश खत्म हुई है तो अभी अगले साल तक कोई हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रादर अभी बारिश खत्म होने के बाद पॉसिबिलिटी होती है कि बिकॉज ऑफ सिपेज वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है वो और डिलैपिडेटेड हो सकता है। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स एंड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। इसमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और ये बिल्डिंग के जो रहवासी होते हैं उनको सतर्क करने के लिए ये लेटर दिया। जो ऑथोराइज स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उनके पास उसका एक प्रोटोकॉल फिक्स होता है, उनको अप्रोच करना पड़ेगा और प्रोटोकॉल के अनुसार उसका ऑडिट करवाना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।